अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन अलोन विद सरसी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज के मंडे नाइट रॉ में हमें काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला है और जिस सेगमेंट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो भी हमें देखने को मिला है। और फाइनली कोडी रोड्स और सेथ रोलिन ने जवाब दे दिया है द रॉक और रोमन रेंस को। तो आज के इस वीडियो में इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देखना। तो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं सेथ रोलिन और कोडी रोड्स के बारे में। ये दोनों रिंग में आते हैं और अपना प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं, और सेथ रोलिन तो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं द रॉक की, वो और द रॉक को इडियट भी कहते हैं, द रॉक के यानी कि बुरे नेम से भी उनको पकारते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स अपना प्रोमो कट करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि द रॉक ने हमें चैलेंज किया टैग टीम मैच के लिए और वो वन ऑन वन मैच तो मुझसे करने से डर रहा है, लेकिन हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इसके साथ साथ नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हम उनसे फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस बात करेंगे। यानी कि फेस टू फेस नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें ये चारों सुपरस्टार एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ कोडी रोड्स और सेथ रोलिन ने ये भी मतलब ये भी कह दिया कि हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब हमें रेसलमेना 40 में इनका मेन इवेंट देखने को मिलेगा नाइट वन में टैग टीम मैच के लिए, और ये मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा क्योंकि ये मैच फर्स्ट टाइम एवर होने जा रहे हैं WWE की हिस्ट्री में। और गाइस, इसके बाद जो हमें मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है वो होता है जे उसो वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के दरमियान। अब इन दोनों का मैच पे पहले भी हो चुका है और ये मैच आज भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का जा रहा था, लेकिन वही हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था। सोलोस को इंटरफेयर करते हैं इस मैच में, जबकि कोडी रोड्स सोलोस को रिंग से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब मैच के एंड में जे उसो अपना फिनिशिंग लगाने जा रहे होते हैं ड्रू मैकइंटायर पर, तो तभी जिमी उसो इंटरफेयर करते हैं जिसकी वजह से ड्रू मैकइंटायर आज भी इस मैच को जीत जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि आज की मंडे नाइट रॉ इतनी ज़्यादा खास नहीं गई, लेकिन फिर भी सही चली गई है। और अब हमें इन दोनों का मैच तो लास्ट में देखने को मिलने वाला है जिमी उसो वर्सेस जे उसो का रेसलमेनिया 40 में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस यही अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।